हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि इस जो हम एनालिसिस हमारी चल रही थी MCX लर्निंग की सीरीज़ में, उसमें हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था, कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम फर्दर थोड़ा डिटेल में देखेंगे, किस तरह से हम मार्किंग करते हैं, कैसे हम सपोर्ट को फाइंड आउट करते हैं, क्या लॉजिक रहता है। तो ये वीडियो जो मैं आपके लिए डेली पोस्ट करता हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये रहेगी कि आप कहीं भी किसी भी इंडेक्स में, कमोडिटी में या फिर इक्विटी में यूटिलाइज कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसमें करेंसी में भी यूज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या सेंटीमेंट रहता है उसको हम डिटेल में देखेंगे। साथ में अगर आप नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कमोडिटी लर्निंग के विषय में जो भी कंटेंट रहते हैं, डेली एनालिसिस रहती है, मैं आपको यहीं पे पोस्ट करता रहता हूँ, यहाँ से आप उससे जुड़ सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, हम लास्ट में देखे थे सिल्वर माइक्रो को, अब हम यहाँ पर देखेंगे सिल्वर मिनी को। अगर सिमिलर तरीके से आप सिल्वर या फिर गोल्ड में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है इसके लिए, CMP जिसको बोलते हैं हम, करंट मार्केट। तो ये हमारा करंट मार्केट प्राइस है, इसको हमें मार्क कर लेना है। अगर आप मार्क नहीं भी करते हैं तो आपके लिए जब भी यहाँ पे 68,000 के आसपास बना हुआ है, अगर आपको इसी वीक में, इसी डे में ट्रेड करना है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट कंटिन्यू चेंज होता रहता है, इस वजह से इसको हम मार्क कर लेंगे कि मार्केट के लिए ये जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, जो हम आज स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे लिए बना हुआ है। इसको हम रखेंगे डॉटेड लाइन से और थिकनेस इसकी हम रखेंगे 1। तो ऑलरेडी हमने 2 कर देते हैं, ऑलरेडी हमने मार्क कर लिया करंट मार्केट प्राइस हमारा है। और इसकी हम कलर कोडिंग थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की सिंपल कलर कोडिंग है, तो इसको हमने कलर कोडिंग चेंज कर दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऊपर जाना है तो ऊपर हमें रोकता है जाने के लिए कोई भी, तो उसके लिए क्या होता है, हमें फोर्स लगाना पड़ता है। उस फोर्स को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो हमें रेजिस्ट करता है ऊपर जाने के लिए। तो अगर हमें ऊपर जाना है तो सबसे पहले हमें ऐसा जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ पे सपोर्ट अच्छा बना रहा हो, कभी फ्यूचर में या पास्ट में, फ्यूचर में वहाँ बनने की कोशिश करेगा, पास्ट में सबसे अच्छा सपोर्ट कहाँ बना हुआ है। अगर हम यहाँ से सबसे पहले चलते हैं तो इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे ये बना हुआ था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे 2 से 3 बार हिट किया है। तो ये लेवल इसके लिए पहली सपोर्ट लेवल हो जाती है, जो कि हमारा रहेगा रेड लाइन से। ये हमारे लिए वीकली टाइम फ्रेम में है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी सपोर्ट लिया इसने, यहाँ भी सपोर्ट लिया, और जब डाउन ट्रेंड आया था तब भी यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ये जो यहाँ पे कभी इसके लिए ऊपर जाने पे रेजिस्टेंस फेस करते थे, अभी फर्दर इसको मार्केट को अगर ऊपर जाना, दोबारा इसको रेजिस्टेंस फेस करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कहीं भी बायर और सेलर की अगर फाइट होती है तो जीतता एक ही है, जिसका पोटेंशियल या फिर जिसका पावर ज़्यादा होता है। अब यहाँ पावर किसका ज़्यादा है, वो डिपेंड करता है कैंडल किस साइड में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इतने जबर बाद भी मार्केट नीचे से रिकवर कर गया है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बना रहा होगा। अभी हम सपोर्ट को बाद में देखें, पहले हम रेजिस्टेंस को देखते हैं। अब इसके बाद इमीडिएट अगर हम ऊपर चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ जब बनने की कोशिश करेगा, कैंडल ने यहाँ पे कहीं आके इसको रोका है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा सेकेंड। इसके बाद एक स्टेप और ऊपर चलते हैं। राउंड फिगर फ्रेंड्स आपके लिए साइकोलॉजिकल रहता है, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ में अगर आपको राउंड फिगर भी मिलता है तो प्लस माइनस 100-200 पॉइंट आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद में ऊपर चलते हैं तो जो 75,000 का लेवल है, ये मार्केट कहीं ना कहीं इसके आसपास जाके रुका था, तो ये लेवल इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर सबसे इम्पोर्टेंट और सपोर्ट ना होकर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो देखो 877 का है। तो 877 होने के पीछे कारण क्या है, मार्केट 2020 में भी यहाँ गया था, 2023 में 3 साल के बाद लगभग इसके जोन पे आया है, और उसके बाद में लगातार लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मार्केट जब भी इसके पास जाएगा तो इसको रोकने की कोशिश करेगा। दूसरा, अगर कभी भी मार्केट फर्स्ट टाइम जाता है, जैसे यहाँ पर आया है, ये डाउन ट्रेंड यहाँ ब्रेकआउट किया था, उसके बाद दोबारा यहाँ पे गया है, थोड़ा उतना स्ट्रांग मूव से नहीं जा पाया, लेकिन यहाँ पे ये जो इसके लिए था एज ए
रेजिस्टेंस था उस टाइम पे। उसके बाद जब ये ऊपर निकला मार्केट, तो यहाँ पे इसके लिए रेजिस्टेंस जोन का काम किया, और दोबारा से जब ये नीचे आता है फिर फर्दर वहीं पे जाके सपोर्ट करता है। तो आपको जब भी मार्केट दो या तीन बार जाके हिट कर ले, थर्ड टाइम आपको थोड़ा देखना होगा, थर्ड टाइम नहीं ब्रेक करता तो फोर्थ टाइम डेफिनेटली ब्रेक करेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, सेकेंड टाइम के बाद में आपको अलर्ट हो जाना है, थर्ड टाइम ब्रेक करता है वेल एंड गुड है, अगर नहीं ब्रेक करता है तो फोर्थ टाइम डेफिनेटली ब्रेक करता है। ये इसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर यहीं पे हम नीचे सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो सपोर्ट को अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो करंट मार्केट प्राइस है अगर उससे नीचे जाते हैं तो उसको सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट इस कारण बोलते हैं कि उसकी वो उसको रोकने की क्षमता रखता है, उसको इतना स्ट्रांग है लेवल कि वहाँ पर रोक सकता है, क्योंकि वहाँ पर बायर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वहाँ पर छोटी कैंडल फॉर्मेशन बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहीं पर हम देखते हैं, ये हमारे लिए सपोर्ट लेवल का काम करे जो हमारा ब्लैक कलर से रहेगा। अब सपोर्ट क्यों है, यहाँ दो कंडीशन बनी है। एक तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल प्लान किया था, दूसरा यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी नेक बना के ब्रेक किया है। बैक साइड में आप जाओगे यहाँ पे एक फॉर्मेशन किया है, तो ये सारे लेवल्स रहते हैं। आप करंट सिचुएशन में देखेंगे तो बैक साइड में जाएंगे डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जैसा कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपके लिए पोस्ट कर रखा है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमने सपोर्ट पहला देखा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है, जो हमने देखा था कि इंगल्फिंग पैटर्न बनता है या फिर कुछ छोटी कैंडल बनती है, उसकी पावर होती है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं, एक बॉटम क्रिएट किया, उसके बाद में सेकंड कैंडल ने इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन किया कि पूरा इंगल्फ कर लिया। अगर इंगल्फ कर लिया तो डेफिनेटली हमें उसके साथ में जाना होगा। अगर हम उसके साथ में एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा, जो जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट को, अगर आपको एंट्री करना है तो डेफिनेटली अगर आपके पास इतनी पावर है कि आप यहाँ पे इतना ज़बरदस्त स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो आप इसमें वीकली सेंटीमेंट्स को लेके ट्रेड करें। अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है तो आप डेफिनेटली फोर आवरली या फिर आवरली टाइम पे जाके कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न अलग तरीके से दिखाई पड़ेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा वो आपके लिए ये लेवल रहेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अच्छा पुलबैक दिखाया है। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है, कुछ लोग बोलते हैं हम बॉडी लेंगे या कुछ लोग बोलते हैं हम बिग पे काम करें, वो आपके ऊपर फ्रेंड्स का डिपेंड करता है। लेकिन हमेशा एक को कंसीडर करिए, बॉडी मतलब बॉडी, बिग का मतलब बिग। आपके ऊपर जो डिपेंड करता है वहाँ पे बेटर मूव आपको देखने को मिल सकता है। जैसे जिन्होंने यहाँ पे बॉडी को कंसीडर करेंगे उनको यहीं से ट्रेड मिल जाएगा, जो थोड़ा बिग को पकड़ने की कोशिश करेंगे उनको इस जोन पे आने के बाद में मार्केट को ट्रेड मिलने के चांसेस बनेंगे। अब इसके बाद फर्दर अगर नीचे चलेंगे सिमिलर तरीके से, आपको यहाँ पे 57,500 के आसपास आपको एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब हमने ये सारी चीज़ें ड्रा कर ली है, एक आपके लिए ये भी ड्रा कर लेते हैं, 58,400 की लेवल के पास है ये हमारे लिए है। उसके बाद में नीचे इमीडिएट मार्केट के लिए 54,800 का लेवल है। ये फ्रेंड्स सारे लेवल्स हो गए। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे नेक्स्ट उसमें 4 आवर सेटअप में, या हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 4 आवर थोड़ा लेंदी हो जाएगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम डेली ट्रेडर हैं, डेली हमें अपना व्यू लेके चलना होता है, तो करंट प्राइस को अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, जो हम मैंने मार्किंग कर रखा है, क्या वो रिस्पेक्ट किया है या नहीं किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, कभी वो सपोर्ट हुआ करता था, अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए, ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बायर और सेलर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो छोटी कैंडल्स बनती हैं इनकी पावर ये रहती है, यहाँ पे बायर्स भी रहते हैं सेलर भी रहते हैं, जिसका थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है, ऊपर निकल जाते हैं। जब इसको नीचे ले जाना हो तो यहाँ पर डबल फोर्स के साथ, जो है बायर थे वो ऑलरेडी यहाँ पर सेलर कन्वर्ट हो जाएंगे और डबल फोर्स के साथ में नीचे जाएगा विथ सेंटीमेंट्स जाता है। इसी वजह से नेगेटिव सेंटीमेंट्स में आपको ज़्यादा फोर्स के साथ में और ज़्यादा अमाउंट के साथ में प्रॉफिट मिलता है। यही इसके कंपैरिजन में बायर साइड में जाएंगे तो एक दो कैंडल बड़ी बनती है, उसके बाद में छोटी छोटी कैंडल बनती हुई ऊपर निकलती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमने मार्किंग कर रखा है उसको कंफर्मेशन देखते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको वीकली वीडियो में ऑलरेडी बताता हूँ। तो यहाँ पे हम इसको अगर देखेंगे तो जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है, इसके अगर हम ऊपर देखते हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो अभी भी रेजिस्टेंस का काम करे। अब सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और जहाँ पे भी खड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो हम इसको भी एज ए सपोर्ट काउंट करते अगर इसके ऊपर होता तो, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस है, इस वजह से यहाँ पे इसको हम न्यूट्रल फेस करते हैं। अगर इससे नीचे मार्केट निकलता है तो इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और पीछे चलते हैं,
ये दूसरी कैंडल जो हमने नीचे मार्क किया था, ये ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं कभी ये गैप का फॉर्मेशन हुआ था। वो क्या गैप का फॉर्मेशन है वो मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं। हमारी जो स्टडी अभी तक हमने देखा है लास्ट वीडियो में, उस वीडियो में हम उसको जस्ट कंफर्म कर रहे हैं कि हम सही स्टडी कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो मार्केट में ऑलरेडी सेम तरीके से परफॉर्मेंस बनती हुई दिख रही है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, क्या यहाँ पे एक गैप जो बना था, जो हमने मार्किंग किया है, वो ऑलरेडी यहाँ पे भी कंसिडर हो रहा है? ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सेम जोन दोनों तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बाइंग आपको कहाँ करना, सेलिंग कहाँ करना है, इसको आपको देखना है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, अब इसको इसने ब्रेक किया है और कभी ये सपोर्ट हुआ करता था, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आप सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखिए। लेकिन स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 1000 पॉइंट का लगभग बनना है, इसके लगभग 100 पॉइंट ऊपर लगने की क्षमता है, तभी आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए डाउन साइड के लिए। अदरवाइज मार्केट को नेक्स्ट कन्फर्म करने दीजिए, फिर आप यहाँ पे एंट्री करिए ऐसे मूव के लिए, क्योंकि आप जहाँ बाई करते हैं उसके आसपास अगर लगाते हैं तो वहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। जब देखिए छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं वहाँ पे मार्केट कन्फ्यूजिंग रहता है। अगर यहाँ पे जिन्होंने बाई कर रखा होगा डाउन ट्रेंड के लिए, अगर उनका स्टॉप लॉस इसके ऊपर नहीं रहता तो डेफिनेटली अगर वो यहाँ बाई करते और यहाँ प्रॉफिट नहीं बुक करते तो नेक्स्ट उसमें इनका लॉस हो जाता, फिर वो ये बड़े मूव को कैप्चर नहीं कर पाते। ऐसे मूव के लिए आपको स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, अब मार्केट के लिए ये कभी सपोर्ट हुआ करता था, ये जोन अभी जो सितंबर अगस्त 2028 का लेवल है और सितंबर का ये सपोर्ट हुआ करता था। मार्केट इसके ऊपर निकलता है, मार्केट गया ऊपर और ऊपर आपके लिए जहाँ रेजिस्टेंस हुआ करता था कभी वहाँ पे जाके हिट कर रहा है। अब यहाँ नेगेटिव सेंटीमेंट बन रहा है तो इमीडिएट आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपको 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट का मूव कर रहा है तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट वहाँ बुक करने का सोचना चाहिए और स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लीजिए, एटलीस्ट अपनी कॉस्ट प्राइस या फिर उससे थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होता है जब हमारी स्ट्रेटजी है। अब उसके बाद में मार्केट दोबारा से इसको ब्रेक आके यहाँ पे खड़ा हुआ है तो टच करने आया है। अगर हमें पॉजिटिव कैंडल बनती है तभी हम इसमें एंट्री का प्लान करेंगे, पॉजिटिव कैंडल नहीं बनती है तो हमें तब तक एंट्री का प्लान नहीं करना। पॉजिटिव कैंडल बनने का मतलब है जो आप देखें दो तीन कैंडल्स इसमें पॉजिटिव है, जो कि कैंडल स्टिक में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, वहाँ जाके आप देखिए ये दोनों कैंडल अब बराबर हैं। नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर बनती है तो यहाँ बाइंग साइड में जा सकते थे क्योंकि यहाँ बॉटम क्रिएट किया था, लेकिन नेक्स्ट कैंडल इमीडिएट डाउन साइड बनती है फिर नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे मार्केट ने बनाया है लेकिन हम यहाँ पे बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं जाएंगे, इस रेंज के ऊपर जब निकलता है तब यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि सारे कैंडल को ट्रेड करना हमारे ना ही हम उसको पकड़ सकते हैं ना ही हम ट्रेड कर सकते हैं। हमें जस्ट अपने पॉइंट को लेके चलना है कि हमें कितना मूव चाहिए, कितना हमारी प्रॉफिट होनी चाहिए, उस बेस से अगर आप चलेंगे। अगर आप रिस्क लेके ट्रेड करते हैं, आपको 3 महीने का टाइम मिलता है, 3 महीने 4 महीने के टाइम में अगर आप उतना पेशेंस रख सकते हैं कि मार्केट 5000 पॉइंट नीचे आए फिर 5000 पॉइंट ऊपर जाएगा तो हम उसको सेल करेंगे, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस नहीं रहेगा। तो जब भी आप ट्रेड करिए सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर देख के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस अपना जहाँ पे सपोर्ट बन रहा है उससे थोड़ा सा नीचे लेके चलिए और जहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है उससे थोड़ा ऊपर लेके चलिए। आप लोगों की ये क्वेरी थी, इसको भी मैंने आपको आज सॉर्ट आउट कर दिया कैसे आपको करना है। आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतना आपको छोटा स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड करना है, मिनिमम अगर आपको कमोडिटी ट्रेड करनी है तो आवरली टाइम फ्रेम आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो अगर आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ आपका बनता हुआ दिख रहा है, ये रेंज, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा जो कि लगभग 800 से 1000 पॉइंट के आसपास बना हुआ है। तो इस तरह से फॉर्मेशन रहते हैं, हमें अपने धीरे धीरे करके जैसे हम ट्रेड कर लेते जाते हैं उसको हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए मार्क करिए जितना नैरो जोन होगा, जैसे ये नैरो जोन है यहाँ ट्रेड करने में बहुत ज़बरदस्त रहता है। मार्केट के लिए 600 पॉइंट का जोन बना है, 600 पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे लगभग मार्केट ने 6000 पॉइंट का मूव दिया है। तो ऐसे मूव कम मिलते हैं लेकिन जब भी मिलते हैं ज़बरदस्त तरीके से हमें फॉर्मेशन मिलता है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा और डेफिनेटली अभी हमने सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर बात किया है, अभी 4 स्ट्रेटजीज और बाकी हैं जिस पर हम देखेंगे और यूटिलाइज करेंगे बेस्ट रिजल्ट के लिए। थैंक यू फ्रेंड, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। आज का जो पूरा सेशन रहा जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए था कि किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग को यूटिलाइज करना है, सपोर्ट सेशन को कैसे हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।